बहुत समय पहले की बात है, एक स्कूल में मोंटी नाम का हाथी पढ़ता था। मोंटी के एनुअल एग्जाम आने वाले थे, पर इसके बावजूद वो नहीं पढ़ता था। एक दिन लंच के दौरान उसने देखा कि पीहू लोमड़ी अभी भी पढ़ रही है, तो वो उसके पास गया। पीहू, तुम अब भी पढ़ रही हो? चलो खाना खा लेते हैं, लंच हो गया है। थोड़ी देर और मोंटी, बस मेरा प्रोजेक्ट पूरा ही होने वाला है, और वैसे भी मैडम आज सबका प्रोजेक्ट चेक करेंगी ना। तुमने कर लिया तुम्हारा प्रोजेक्ट? नहीं, अभी नहीं किया, और वैसे भी अभी तो बहुत समय है, मैडम को तो 8वें पीरियड में आना है ना प्रोजेक्ट चेक करने, तब तक मैं कर लूंगा। मोंटी बहुत ही आलसी था, वो आज का काम कल पर ही थोप देता था। वहीं पीहू बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान लड़की थी, वो हमेशा अपना काम समय पर पूरा कर लेती थी। रहने दे, मुझे तो लगता है आज तू इसी में लगी रहेगी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो चला लंच करने। तुझे जब करना हो तू कर लेना, और वैसे भी मुझे तो खेलना भी है। मोंटी, खाना खाकर तुम भी अपना काम जल्दी से कर लो, नहीं तो टीचर गुस्सा हो जाएंगी, हो सकता है तुम्हें मार भी पड़े। तुम अपना काम करो, मेरी चिंता मत करो, मैं अपना देख लूंगा, ऐसा कहकर मोंटी वहां से भाग जाता है। मोंटी और पीहू क्लासमेट होने के साथ साथ पड़ोसी भी थे, इसलिए मोंटी के मम्मी पापा अक्सर मोंटी को पीहू की तरह बनने को कहते थे। देखो मोंटी, पीहू घर का काम भी करती है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करती है, उसके मम्मी पापा को कभी उसकी शिकायत नहीं सुननी पड़ती, और वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। तुम्हें तो घर का कोई काम भी नहीं करना पड़ता, फिर भी तुम पढ़ाई नहीं करते। तुम्हारे टीचर हमेशा यही कंप्लेन करते हैं कि तुम कभी काम समय पर नहीं करते, होमवर्क करके नहीं लाते, प्रोजेक्ट टाइम पर जमा नहीं करते। पापा, मैं कल से सारा काम टाइम पे करूंगा, अब देख लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, समय की अहमियत को समझो, इसका सदुपयोग करो, क्योंकि ये एक बार चला गया तो वापस नहीं आने वाला। मोंटी ने ऐसा कह तो दिया, पर इसके बावजूद उसने इस बात पर कभी अमल नहीं किया, वो अभी वैसे का वैसा ही रहा। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ गया और मार्च का महीना शुरू हो गया। उसके पेपर के अब बस 2 दिन बचे थे, पर उसको अभी भी कोई चिंता नहीं थी, वो अभी भी खेलता रहता था। अरे मोंटी, तुम खेल रहे हो? अरे परसों से पेपर हैं अपने, घर में जाकर कुछ पढ़ो। परसों से है ना, तो मैं कर लूंगा, अभी तो 2 दिन बाकी है ना। मोंटी ऐसा कहकर खेलने के लिए निकल गया, पर पीहू अपनी पढ़ाई करती रही। अगले दिन फिर मोंटी खेलने के लिए निकलने लगा, उसे देख फिर पीहू बोली, मोंटी तुमने सब पढ़ लिया क्या जो तुम ऐसे घूमने जा रहे हो? नहीं नहीं, लेकिन आज रात को सब पढ़ लूंगा। मोंटी तुम खेलने मत जाओ, देखो मौसम कितना खराब है, मुझे तो लगता है बारिश भी हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो लाइट भी चली जाएगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अभी ही पढ़ लो। तुम तो खामखा डर रही हो पीहू, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो मौसम अभी साफ हो जाएगा, जरा से बादल हैं, अभी हवा चलेगी सारा साफ हो जाएगा, और जरूरी नहीं कि हर बारिश होने से लाइट चली जाए। मोंटी ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। शाम होते ही मौसम करवट बदल लेता है और झमाझम बारिश होने लगती है। मोंटी भागता हुआ अपने घर आता है तो देखता है कि घर में लाइट है ही नहीं। मम्मी, लाइट चली गई क्या? हाँ बेटे, तुझे तो मालूम है ना बारिश होती बिजली चली जाती है। लेकिन मुझे तो पढ़ना था, कल मेरा पेपर है, अब मैं क्या करूँगा? तुम्हें पता था ना कि कल तुम्हारा पेपर है, तो खेलने की बजाय पढ़ने नहीं बैठ सकते थे तुम? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि आज का काम कल पर मत डालो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मोंटी अब दुखी हो जाता है। अगले दिन पेपर में वो कुछ भी नहीं लिख पाता, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था। वहीं पीहू का पेपर बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि उसने अपना पार्ट अच्छे से याद किया था। तो इसीलिए हम कहते हैं बच्चों, समय का सदुपयोग करो, जैसे पीहू ने किया, मोंटी की तरह नहीं। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था, सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था, इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो? ये उसी का इलाका है, अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है।
वहाँ शेरा का दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा? आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर दो जानवर आए थे, मैं उनका शिकार करने आया हूँ, क्या तुमने उन्हें देखा है? जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया। अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वही दोनों उस घास के मैदान के पास एक तालाब में रिंकू को मिल जाते हैं। छोटू भैया, छोटी भाभी, आप दोनों के जाने के बाद शेरा फिर से आया था और मुझे धमका कर गया है कि अगर अगली बार उसको उसके शिकार का सही पता नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली भैया, आपका बहुत धन्यवाद। दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। तो शेर वहाँ पे आकर कहता है, रिंकू तू, मुझे यहाँ और भी जानवरों की आवाजें आ रही थी, तू किससे बात कर रहा था? जरा बताना मुझे, मेरी धमकी याद है ना? अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा तो आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। रिंकू बहुत डर जाता है, वो सोचने लगता है, शेरा बहुत ताकतवर है और इससे हर बार झूठ बोलने का एक ही मतलब है कि इसकी दावत बन जाना। अब मैं क्या करूं? मेरी भी जान खतरे में है, सच कहूंगा तो पति पत्नी मारे जाएंगे, झूठ बोला तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन आखिर हम सब कब तक इस शेरा से डर के रहेंगे? सोच क्या रहा है, जवाब दे। शेरा जी, मैं पानी से बात कर रहा था, आप भी बात करके देख लो। पानी से? पानी में क्या है? आप ही देख लो, उसमें शायद आपको शिकार करने के लिए कोई मिल जाए। शेरा पानी झांक कर देखता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिंकू इशारों से छोटू और छोटी को बुलाता है। ध्यान से आगे जाकर देखो शेरा जी, आपका शिकार है वहाँ। शेरा जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है, तभी उसे पीछे से रिंकू और छोटू छोटी धक्का दे देते हैं और उसको तालाब में गिरा देते हैं। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। शेरा डर के कारण चिल्लाने लगता है, उसकी आवाज़ सुनकर बहुत से जानवर आते हैं। शेरा, तुम सबको डराते हो, अपनी ताकत का तुम्हें बहुत घमंड है, अगर तुम हम सबको तंग करना छोड़ोगे तभी तुम्हें बचाएंगे। इसको मत बचाओ रिंकू। नहीं छोटू भाई, पूरे जंगल के सामने ये मदद मांगकर साबित कर चुका है कि इसको भी डर लगता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तंग नहीं करूँगा। और फिर सबके सामने रिंकू रस्सी फेंक कर शेरा को बचाता है। शेरा शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और पूरे जंगल में अब रिंकू की सूझबूझ की तारीफ होने लगती है। इसी तरह से रिंकू इतनी मुश्किल में भी अपनी हिम्मत और होशियारी से मुसीबत खत्म करने में कामयाब होता है। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था, सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था, इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो? ये उसी का इलाका है, अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है। तभी वहाँ शेरा का दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा? आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर दो जानवर आए थे, मैं उनका शिकार करने आया हूँ, क्या तुमने उन्हें देखा है?
जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया। अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वही दोनों उस घास के मैदान के पास एक तालाब में रिंकू को मिल जाते हैं। छोटू भैया, छोटी भाभी, आप दोनों के जाने के बाद शेरा फिर से आया था और मुझे धमका कर गया है कि अगर अगली बार उसको उसके शिकार का सही पता नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली भैया, आपका बहुत धन्यवाद। दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। तो शेर वहाँ पे आकर कहता है, रिंकू तू, मुझे यहाँ और भी जानवरों की आवाजें आ रही थी, तो किससे बात कर रहा था जरा बताना मुझे, मेरी धमकी याद है ना? अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा तो आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। रिंकू बहुत डर जाता है, वो सोचने लगता है, शेरा बहुत ताकतवर है और इससे हर बार झूठ बोलने का एक ही मतलब है कि इसकी दावत बन जाना। अब मैं क्या करूं? मेरी भी जान खतरे में है, सच कहूंगा तो पति पत्नी मारे जाएंगे, झूठ बोला तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन आखिर हम सब कब तक इस शेरा से डर के रहेंगे? सोच क्या रहा है, जवाब दे। शेरा जी, मैं पानी से बात कर रहा था, आप भी बात करके देख लो। पानी से? पानी में क्या है? आप ही देख लो, उसमें शायद आपको शिकार करने के लिए कोई मिल जाए। शेरा पानी में झांक कर देखता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिंकू इशारों से छोटू और छोटी को बुलाता है। ध्यान से आगे जाकर देखो शेरा जी, आपका शिकार है वहाँ। शेरा जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है, तभी उसे पीछे से रिंकू और छोटू छोटी धक्का दे देते हैं और उसको तालाब में गिरा देते हैं। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। शेरा डर के कारण चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बहुत से जानवर आते हैं। शेरा, तुम सबको डराते हो, अपनी ताकत का तुम्हें बहुत घमंड है। अगर तुम हम सबको तंग करना छोड़ोगे तभी तुम्हें बचाएंगे। इसको मत बचाओ रिंकू। नहीं छोटू भाई, पूरे जंगल के सामने ये मदद मांगकर साबित कर चुका है कि इसको भी डर लगता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तंग नहीं करूँगा। और फिर सबके सामने रिंकू रस्सी फेंक कर शेरा को बचाता है। शेरा शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और पूरे जंगल में अब रिंकू की सूझबूझ की तारीफ होने लगती है। इसी तरह से रिंकू इतनी मुश्किल में भी अपनी हिम्मत और होशियारी से मुसीबत खत्म करने में कामयाब होता है।